कुल्लू जिला में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नेपाल बॉर्डर के समीप जाने वाली टनकपुर परिवहन निगम की बस के रूट को बंद कर दिया गया है। कुल्लू जिला मुख्यालय देवसदन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कुल्लू जिला में प्रशासन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और इसके अतिरिक्त सभी उपमंडलों में एक एक अतिरिक्त हॉल की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ नेपाल के लोगों ने परिवहन निगम की बस में सफर किया था, जिसके बाद नेपाल बॉर्डर के समीप जाने वाली टनकपुर परिवहन निगम की बस के रूट को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी बस अड्डों पर परिवहन निगम के चालक और परिचालकों द्वारा यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस अड्डों में सैनिटाइजर और मास्क रखने की भी तैयारियां की जा रही हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि फिलहाल प्रदेश की स्थिति ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाहर से आने वाली बसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उसमें व्यावहारिकता को देखते हैं, अभी जैसे पिछले कल जो बस टनकपुर जाती थी तो उसमें लगा कि थोड़ा नेपाल बॉर्डर है और कुछ एक ऐसे संदेह लगा कि कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए अभी उस बस को हमने हरिद्वार तक किया है और बाकी भी बसेज का हम ये देख रहे हैं कि अगर आवाजाही कैसे होती है, तो और यदि लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कम होती है और कुछ है तो फिर हमने ये विचार किया है कि अभी थोड़ा सा उसको अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर कुछ बसेज को क्लब करने की अगर आवश्यकता होगी तो उन बसों को हम क्लब करेंगे। तो बाकी उसका अतिरिक्त फिलहाल तो यह है कि सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं और सारी की सारी बसेज को ठीक समय पर सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है और हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हैं चाहे वो प्राइवेट का है, सभी को आदेश दिए हैं कि वो जब बसेज को चलने से पहले वहाँ पर उसके बारे में कोरोना वायरस से सावधानियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं, तो और सैनिटाइजर इत्यादि सारी व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं, तो कम्प्लीट तैयारियाँ और अच्छे से हमने कर रखी है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।